दोस्तों, एक बूढ़ा किसान बहुत ही परेशान था। वो जब भी कुछ अपने खेतों में बोता था तो बहुत ही कम उसके हाथ लगता था। कभी बारिश बहुत ज्यादा होती थी, कभी बिल्कुल नहीं होती थी, कभी इतनी गर्मी होती थी कि रहा ना जाए, और कभी हफ्तों तक सूरज के दर्शन नहीं होते थे। ये कहानी बहुत पुरानी है। ये इतनी पुरानी है कि उस जमाने में भगवान से लोगों का डायरेक्ट संपर्क था। लोग सीधे सीधे भगवान से बात करते थे। तो वो बूढ़ा किसान भी एक दिन ईश्वर के पास गया और बोला, देखिए, आप भगवान होंगे और आपने ही यह दुनिया भी बनाई होगी, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप सब कुछ नहीं जानते हो। आप किसान नहीं हो, आपको खेती बाड़ी का कह कह गया भी नहीं आता, और मेरे पूरे जीवन के अनुभव का निचोड़ यह कहता है कि आपकी रची प्रकृति और इसके काम करने का तरीका बहुत खराब है। आपको अभी सीखने की जरूरत है। भगवान ने कहा, अच्छा भाई, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो बूढ़े किसान ने कहा कि आप नहीं कर पाओगे, मुझे ही करना होगा। आप एक काम करो, मुझे एक साल का समय दो, सब चीजें मेरे मुताबिक होने दो, और देखो मैं क्या करता हूं, मैं दुनिया से गरीबी का नामो निशान मिटा दूंगा। भगवान ने किसान को देखा और उसके गुस्से को महसूस किया, और फिर सोचा कि यार अब इससे कौन झंझट ले, चलो एक साल का टाइम दे देते हैं इसको, मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, मैं भी तब तक आउटिंग करके आ जाता हूं। अब सब कुछ किसान की इच्छा के अनुसार हो रहा था। यह स्वाभाविक है कि किसान ने उन्हीं चीजों की कामना की जो उसके लिए ही उपयुक्त होती थी। उसने तूफान, तेज हवाओं और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हर खतरे को रोक दिया। सब उसकी इच्छा के अनुसार बहुत ही आरामदायक और शांत वातावरण में घटित हो रहा था, और किसान बहुत खुश था। गेहूं की बालियां पहले कभी इतनी ऊंची नहीं हुई, कहीं किसी दुर्घटना के होने का खतरा ही नहीं था। उसने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। उसे जब धूप की जरूरत हुई तो सूरज चमका दिया, जब बारिश की जरूरत हुई तो उसने बादल उतने ही बरसाए जितने फसल को नुकसान ना पहुंचाए। गेहूं की ऊंची बालियां देखकर किसान का मन हिलोरे ले रहा था। वह भगवान से जब कभी मिलता तो यही कहता कि आप देखना, इस साल इतनी पैदावार होगी कि लोग 10 साल तक आराम से बैठकर खाएंगे। लेकिन जब फसल काटी गई तो पता चला कि बालियों के अंदर गेहूं के दाने तो थे ही नहीं। किसान हैरान परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उसने ईश्वर से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ भगवान, क्या गलत हो गया। भगवान ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ कि कभी भी कोई चुनौती थी ही नहीं, कोई कठिनाई नहीं थी, कभी भी कोई उलझन, दुविधा, संकट नहीं था, और सब कुछ आदर्श था। तुमने हर मुश्किल को हटा दिया और गेहूं के पौधे नपुंसक हो गए। कहीं कोई संघर्ष का होना जरूरी था, कुछ झंझावत होनी जरूरी थी, कुछ बिजलियों का गरजना जरूरी था। ये चीजें गेहूं की आत्मा को हिलोर देती हैं। तूने तो संघर्ष को ही खत्म कर दिया जिससे जूझकर गेहूं का दाना बनता है। संघर्ष का होना जरूरी था। दोस्तों, यह बहुत ही गहरी और अनूठी कथा है। यदि तुम हमेशा खुश और अधिक खुश बने रहोगे तो खुशी अपना अर्थ खो देगी। तुम इसकी अधिकता से ऊब जाओगे। तुम्हें खुशी इसलिए अधिक रास आती है क्योंकि जीवन में दुख और कड़वाहट भी आती जाती रहती है। तुम हमेशा ही मीठा मीठा नहीं खाते रह सकते, कभी कभी जीवन में नमकीन को भी चखना पड़ता है। यह बहुत जरूरी है, इसके न होने पर जीवन का पूरा स्वाद खत्म हो जाता है। इसलिए जीवन में आने वाले हर विपत्ति को स्वीकार करो, उसके साथ संघर्ष करो, और देखना इसके बाद जो फल मिलेगा वो इतना मीठा होगा। और ध्यान रखना, अगर आपके जीवन में सब कुछ सही हो रहा है तो मामला गड़बड़ है। इसका मतलब आपने जो राह चुनी है वो सही नहीं है, क्योंकि सफलता तक पहुंचने का ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है जो आसानी से कट जाए, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी जिद्दोजहद के। दोस्तों, संघर्ष आपका दोस्त है। ये जो दर्द मुश्किलों से मिलता है ना, ये दर्द आपका दोस्त है। हो सकता है कि करंट मोमेंट में ये आपको अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन ये आपको एक मजबूत इंसान बनाएगा। अगर आपके पास फेलियर्स नहीं है, अगर आपके पास स्ट्रगल्स नहीं है, अगर आपके पास डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं है, तो ये तो निश्चित है कि आपके पास कोई स्ट्रेंथ, कोई करेज, कोई कंपैशन नहीं होगा। आपको ये पेन, ये स्ट्रगल इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप इसे झेलने की ताकत रखते हो, वरना ये आपको मिला ही नहीं होता। अगर आप जिंदा हो तो इसलिए हो क्योंकि इस धरती पर जीने के लिए जो चुनौतियां मिलती हैं, आप उसको सहन करने में सक्षम हो। आपका शरीर इतना सक्षम है कि वातावरण में हो रहे बदलावों को सहन कर सके, और जिस दिन आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा, आप इस दुनिया में नहीं रहोगे। तो
तो संघर्ष आपका सच्चा साथी है। जब तक ये है तब तक आप हो, जब तक ये है तब तक आप हो, जब तक ये है तब तक आप हो। जय हिंद।